जीना इसी का नाम है। अम्मा जी कहती है, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी गजब हो गया। अम्मा जी, सावित्री भाभी। क्या हुआ सावित्री को? उनकी तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है, अस्पताल ले गए हैं उनको। उनके घर में सब बता रहे थे कि उनके पेट में अचानक दर्द हुआ और वो गिर पड़ी। हे भगवान, पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई है सावित्री को। अम्मा जी, अमर का क्या होगा? आप ही ने कहा था ना कि 6 महीने तक वो सिर्फ अपनी माँ का ही दूध पी सकता है, अब क्या होगा? मैं अभी मदन के घर से होकर आती हूँ। मुझे लगता है भूखा है, ताई इसे कैसे चुप करवाऊं? गला सूख गया है इसका तो, जा 2 चम्मच पानी पिला दे इसको। अरे ये तो क्या कह रही है गुलाबो, तू जानती नहीं है क्या, अमर अभी 6 महीने का नहीं हुआ है और 6 महीने तक बच्चे को सिवाय माँ के दूध के और कुछ भी नहीं पिलाते। अब प्यास से तड़पने तो नहीं दे सकते ना बच्चे को अम्मा जी? सावित्री अस्पताल में है और इसका गला भी सूख रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने इसको गुड़ का पानी दिया है। ये तूने क्या किया गुलाबो, तू जानती नहीं क्या कि 6 महीने तक बच्चे को सिवाय माँ के दूध के और कुछ नहीं देते? अब बच्चा बीमार पड़ गया तो? अब बच्चे को कुछ तो देना ही था ना अम्मा जी। अब तू क्या देख रही है अख्तरी, जा अमर को पानी पिला। अच्छा ताई। नहीं रुक जा यहीं। लो मदन भी आ गया। क्या हुआ बेटा, सावित्री ठीक तो है? डॉक्टर जांच कर रहे हैं। आदाब अम्मा जी। आदाब जी। कैसी हो राधा? बैठो। मैं अस्पताल गई थी, अब सावित्री भाभी को होश आ गया है। उनके पेट में पथरी है, उसी का दर्द हुआ था, पर अब घबराने की कोई बात नहीं है। शबनम जी जी, अमर। हाँ हाँ, अख्तरी ले गई है उसे सावित्री भाभी के पास। चलो ये अच्छा हो गया, मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी अमर की। गुलाबो तो उसे पानी पिलवाने ही वाली थी। वैसे मैं भी मदन को यही कहकर आई थी कि जैसे ही सावित्री को होश आ जाए अमर को उसके पास दूध पिलाने ले जाए। ठीक किया अम्मा जी, आखिर माँ का दूध ही बच्चे की सभी जरूरतों को पूरा करता है, इसीलिए 6 महीनों तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध मिलना चाहिए, यहाँ तक कि पानी भी नहीं। अब इनको भी सही बात तू ही समझा दे शबनम। आदाब, आपसे आज मैं बस इतनी ही बात पूछना चाहती हूँ कि बच्चे के लिए पहले 6 महीनों तक माँ का दूध ही सबसे पौष्टिक क्यों होता है? एक, क्योंकि इसमें सभी पौष्टिक तत्व होते हैं जो बच्चे को चाहिए। दो, क्योंकि ये बच्चे को बीमारियों से बचाता है। तीन, क्योंकि ये बच्चे के विकास के लिए जरूरी है। सही जवाब है, बच्चे के लिए पहले 6 महीने तक माँ का दूध सबसे पौष्टिक इसलिए होता है क्योंकि इसमें सभी पौष्टिक तत्व होते हैं। ये बच्चे को बीमारियों से बचाता है और ये बच्चे के विकास के लिए जरूरी है। सब सोचकर ही बोल रहा हूँ अम्मा जी, सावित्री की तबीयत ठीक नहीं है। अब कल सवेरे ही जाकर डिब्बे का दूध ले आऊंगा अमर के लिए। अरे बेटा, तू तो जानता ही है कि बच्चे के लिए माँ का दूध ही सबसे पौष्टिक होता है और बच्चा इसे आसानी से पचा भी लेता है, और ये जो डिब्बे का दूध है ये माँ के दूध के मुकाबले कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ अक्सर माँ बाप बच्चे को गर्मियों में पानी पिला देते हैं, ये सोचकर कि बच्चे को प्यास लग रही होगी, गला सूख रहा होगा। पर अम्मा जी बात तो सही है, बच्चे को भी तो प्यास लगती है। हाँ हाँ, पर उसकी सारी जरूरतें माँ के दूध से पूरी हो जाती हैं, यहाँ तक कि पानी की प्यास की भी।
समझा? जी अम्मा जी, नमस्ते। नमस्ते। मदन को तो समझ में आ गया, और तुम्हें? तो बताओ, 6 महीने तक बच्चे को क्या क्या देना चाहिए? गाय और बकरी का दूध, डिब्बे का दूध, या सिर्फ माँ का दूध, पानी भी नहीं? सही जवाब है, 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए, पानी भी नहीं। क्या हुआ? अच्छा हुआ अम्मा जी आप आ गए। देखिए ना अमर को क्या हो गया है, इसे उल्टी और दस्त होने लगे हैं। और मदन भाई साहब सावित्री भाभी को लेकर डॉक्टर के पास गए हैं और मुझे अमर को देखने के लिए कहा, पर हे भगवान, जिसका मुझे डर था वही हुआ। तूने अमर को माँ के दूध के अलावा कुछ और भी दिया था क्या? मैंने तो उस दिन गुलाबोताई के कहने पर 2 बार गुड़ का पानी पिलाया था। मैंने मना किया था ना कि 6 महीने तक बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना, यहाँ तक पानी भी नहीं। आप जाकर जल्दी से नर्स बहन जी को बुला कर लाओ। अम्मा जी अमर ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ, अब तू मत घबरा। क्या हुआ अम्मा जी? अमर को दस्त और उल्टियां लगी हैं। मैंने नर्स बहन जी को बुलाया है। मैं इसे जल्दी से अपना दूध पिलाती हूँ। पर भाभी तुम तो खुद बीमार हो। नर्स बहन जी ने कहा था कि माँ बच्चे में से कोई भी बीमार हो तभी माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाना बंद नहीं करना चाहिए। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सावित्री जो आ गई है, अब जरा इनकी बातें भी सुन लो तो सारी बातें अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। बच्चे को बस अपने माँ के दूध की जरूरत है। नवजात शिशु के लिए माँ का दूध ही अमृत है। पहले 6 महीनों में माँ के दूध के अलावा बच्चे को कुछ भी देने की जरूरत नहीं होती, यहाँ तक कि पानी भी नहीं, क्योंकि माँ का दूध ही बच्चे के लिए पूरा होता है और ये बच्चे को बीमारियों से भी बचाता है।